मुक्ति बंधन एक बहुत ही नया डिफरेंट और कहते हैं ना फ्रेश शो जो कलर्स लेके आ रहा है. कलर्स ने एक ट्रेंड फॉलो किया है. उन्होंने बालिका वधू लाया जिसने पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को बदल दिया और अब वो मुक्ति बंधन ला रहा है जो डेफिनेटली टेलीविजन इंडस्ट्री को बदल देगा. I don't know. This is. I don't think it is exactly on the life of Dhirubhai Ambani. But I would say it is a show, जो Dhirubhai Ambani जैसे एक बड़े आदमी के journey के बारे में है. I am Virani is a person who is as big as Dhirubhai Ambani. Wouldn't say that it's his story. No, no ways. But yeah, it is on the lines of that person. That is Ambani. He's as rich as him. So definitely, uski lines pe hai. Your character in the serial. What's your playing in there? I am playing Nirali Virani. I am Virani's daughter. I am Virani. Chahe ap kisi ko vakt na de paaye, chahe kisi ke saath mil na paaye, chahe kuch na kar paaye. Lekin Nirali se baat kiye bagair, unko chain nahi padta. She's like his baby princess. Aur wo role main play kar rahi hoon. आई एम विरानी के लाइफ में बहुत हेक्टिक है, बहुत पैसा है, बहुत काम है, लेकिन निराली उनको एक सुकून देती है बिकॉज़ उनकी बेटी है. As you playing the daughter of Mr. I am Virani, how much you believe in your father calculation? The way he says ki 2 into 2 multiplied by 2 is equal to 22. Actually speaking, I've never had the time. आजकल की यंग लड़कियों के पास कहाँ ये टाइम होता है कि पापा ने 2+2 को 22 माना. आई रिस्पेक्ट माई डैड, आई लव माई पप्पा. मैं उन्हें पप्पा बुलाती हूँ क्योंकि हम गुजराती फैमिली से हैं तो हमें वैसे ही सिखाया गया है. तो मैं अपने पप्पा से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली उनके लाइन्स पर नहीं चलने वाली क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको कितना भी पैसा देखा हो, मॉडर्न है, स्कर्ट्स पहनती है, टॉप्स पहनती है, स्विमिंग पूल में उसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जो ग्राउंडेड है क्योंकि उसकी दादा दादी ने उसे अच्छी संस्कार सिखाए हैं, मम्मी ने अच्छे संस्कार सिखाए हैं. तो इसलिए वो ये जानती है कि चाहे पैसा हो या कुछ भी, एक सच्चे दोस्त की उसे ज़रूरत है जो निराली से प्यार करे, ना कि आई एम विरानी के बेटी से. ये आप देखिए क्योंकि एक बहुत सीक्रेट नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, जहाँ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बट आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग. हाँ ऑफकोर्स इट इज़ डिफरेंट. सबसे पहली बात तो मुक्ति बंधन का जो प्रोमोज अगर आप देखेंगे सो वो टोटली मेल ओरिएंटेड है. आज तक कोई मेल ओरिएंटेड शो आया नहीं है. इस शो का प्रोटैगनिस्ट मेनली इज मिस्टर आई एम विरानी, दैट इज फ्रॉम इन मुक्ति बंधन. तो ये एक अलग ट्रेंड है जो कलर्स ला रहा है बालिका वधू के बाद, और सारे चैनल्स डेफिनेटली फॉलो करेंगे. वी होप दैट.